डेटा एनालिटिक्स के जो फॉर्मूले होते हैं ना, ट्रिकी फॉर्मूले होते हैं, जो हमारे डेटा एनालिटिक्स कोर्स है उसके अंदर जो फॉर्मूले हम सिंपली पढ़ाते हैं, हम हर फॉर्मूले के अंदर कुछ ना कुछ ट्रिक्स ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप कई सारे फॉर्मूले समझ लेती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, राइट। अब आपको राइट का फॉर्मूला नॉर्मल क्लास में मैं पढ़ाऊंगा कि राइट का फॉर्मूला का यूज होता है कि राइट इसको सेलेक्ट किया, कॉमा थ्री कर दिया तो 3 लेटर लगता है। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला पढ़ाऊंगा कि सब्स्टिट्यूट भाई इसमें जाओ डॉट को डैश बना दो, ठीक है, पता है। रैप्ट का फॉर्मूला होता है, रैप्ट का फॉर्मूला पढ़ाऊंगा कि रैप्ट क्या करता है, रिपीट करता है, रैप्ट इसको सिलेक्ट किया और 3 बार या 10 बार रिपीट कर दिया, ओके। पर इसी चीज को जब मैं डेटा एनालिटिक्स में आता हूँ तो पढ़ाता हूँ कुछ इस तरह। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे किसी की कुछ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि सुजीत कुमार दिल्ली 8802579388 कुमार एट द रेट iptindia.com। अब मुझे इसमें से मान लीजिए कि लास्ट वाला जो ईमेल आईडी अलग करना है, ईमेल आईडी हमेशा लास्ट में होता है, वो हो सकता है कि पूरा लिखा हो, बहुत बड़ा करेक्टर हो, या हो सकता है कि छोटा करेक्टर हो, इस तरह से समझे, कोई फिक्स नहीं है। बस एक ही कंडीशन फिक्स है कि लास्ट जो है, सबसे लास्ट जो है वो होगा, समझे। अब इसमें हम ये सारे फॉर्मूले का यूज करें, बोले क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इक्वल सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ओल्ड टेक्स्ट हमने दे दिया स्पेस, ओल्ड टेक्स्ट में हम दे दिया स्पेस, और न्यू टेक्स्ट में मैं बोलता हूं रैप स्पेस को 99 बार रिपीट कर दो। तो सुजीत कुमार और कुमार एट द आईपीटी इंडिया जो भी होगा सबके बीच पे 99 99 स्पेस, 99+1 100 100 स्पेस आ गया, आया सर। अब मैं यहां पर राइट तो हमने यहां पे राइट का फॉर्मूला लगाया और 99 लीटर अलग कर दिया, ठीक है सर। और फिर मैंने ट्रिम का फॉर्मूला लगाया और इसमें से अलग कर लिया ट्रिम का, क्लियर है जी। इस तरह के ट्रिक्स होते हैं।